हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू विवेक इन्वेस्टमेंट। तो आज हम जानेंगे कि भारी गिरावट के बाद भी मुनाफा वसूली कैसे किया जाए। जैसे कि पता होगा कि 26 फरवरी को सेंसेक्स अराउंड 49,000 तक गिर चुका है और गिरावट आया है अराउंड 2,000 का। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अराउंड 568 तक का गिरावट आया है और ये गिरावट अराउंड हो चुका है 14,500 आई थिंक 29 के लगभग यहाँ तक आ चुका है निफ्टी, और सेंसेक्स आ चुका है 49,000 तक। तो अब हम देखेंगे इसका मुनाफा इस गिरावट में कैसे बनाया जाए। तो हमें तो पता नहीं है सेंसेक्स कब तक गिरने वाला है, किसको भी पता नहीं है, लेकिन एक अंदाज़े के हिसाब से सेंसेक्स का लगाया जा रहा है कि 45,000 तक गिर सकता है, जैसे कि पिछले बार गिरा था। तो अब अगर हम थर्ड वीक के बारे में देख ले, सेंसेक्स गिरा था 52,500 से अराउंड 50,000 पे, और यहाँ पे 50,000 पे एक अच्छा सपोर्ट बना था सेंसेक्स के लिए। उसके बाद सेंसेक्स वापस रिवर्सल लिया और 52,000 तक, और फोर्थ वीक में वापस सेंसेक्स गिरा 49,000 तक। तो इस रिवर्सल का मुनाफा कैसे उठाया जाए वो हम देखेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए एक शेयर लेता हूँ, ITC का बहुत ही प्रोमिनेंट शेयर है और अभी अंडर रेटेड बताया जा रहा है। तो उसका अभी वैल्यू चल रहा है 204। जब पिछले बार ये अराउंड 205 तक गिरा था और ऊपर वापस उछल कर 239 तक गया था। अगर मानते हैं कि ये वापस ये उछाल हमको देखने को मिल सकता है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ITC के शेयर में, मान लीजिए 100 शेयर का, आप 100 शेयर ITC में खरीदना चाहते हैं, और मान लीजिए आपने 204 रुपये के भाव में 100 शेयर खरीद लिया जब सेंसेक्स डाउन था 49,000 तक, और फिर सेंसेक्स और गिरावट देता है। मान लीजिए 45,000 तक आपको मार्च के फर्स्ट वीक में अगर देखने को मिलता है, 45,000 तक 4,000 सेंसेक्स और गिरता है, और मान लीजिए कि ITC का भी शेयर अराउंड 190 तक गिर जाता है, तो यहाँ पे आपको 14 रुपये का लॉस हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा इस 14 रुपये का लॉस को आप कम कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो मान लीजिए 204 रुपये के प्राइस में आपको 100 शेयर खरीदना है, तो आपने बस 25% शेयर खरीदे जब सेंसेक्स था, मान लीजिए 49,000, और फिर वापस ITC के शेयर गिरते हैं 200 रुपये तक, और आप वापस 25 शेयर्स खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे आपने कर दिया क्या, एवरेज कर दिया, आपका वैल्यू हो गया 202 रुपये, और आपके 25 25 शेयर मिला के हो जाते हैं 50 शेयर्स। 200 के 202 के रेट पे आपने 50 शेयर खरीदे, 204 के मुकाबले आपने 202 के रेट पे खरीदे। उसके बाद मान लीजिए सेंसेक्स और गिरता है अराउंड, यहाँ पे सेंसेक्स गिर चुका था अराउंड मान लीजिए 48,000 तक। उसके बाद मानते हैं कि सेंसेक्स गिर चुका था 47,000 और ITC ने कोई गिरावट नहीं दिखाया, वो 200 के रेट पे एक अच्छे सपोर्ट के साथ टिका रहा, पर यहाँ पे सेंसेक्स गिर रहा है, समझ रहे। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको और 25 शेयर खरीद लेने चाहिए सेंसेक्स के गिरावट में, क्योंकि जब सेंसेक्स में रिवर्सल दिखाएगा आपको ITC के शेयर में भी रिवर्सल दिखेगा, क्योंकि ITC भी सेंसेक्स का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आप 75 शेयर्स हो जाते हैं, और मान लीजिए वापस यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 के रेट से
तक जाता है, और आप यहाँ पे 25 शेयर बुक करते हैं, और सेंसेक्स मान लीजिए यहाँ तक आपका 46,000 तक चला जाता है। तो यहाँ पे आपने 4 बार बुकिंग की एक ही कंपनी में 100 शेयर के लिए। तो जैसे कि आपने पहले 25 शेयर लिए 204 के रेट पे, फिर 25 शेयर लिए 200 आई थिंक 200 के रेट पे, फिर 25 शेयर 200 के रेट पे, और फिर 25 शेयर 195 के रेट पे। तो आपका यहाँ पे एवरेज निकल के आता है 199.75। तो आपने 204 के रेट पे ना लेके 199.75 के रेट पे लिया, तो यहाँ पे आपने अराउंड 4.25 रुपीस पर शेयर सेव किया। इसको 100 शेयर के मुकाबले आपने 425 रुपये बचा लिया, और आपने गिरावट का फायदा उठाया। अगर ये शेयर फ्यूचर में 240 जी, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल के हम टारगेट देखे कि 254 तक आए, ये यहाँ तक जाता है, तो आप 5,000, हाँ 5,000 तक का आप प्रॉफिट उठा पाएंगे, 5,400 सॉरी। अगर आप नहीं करते 25 तक के प्रॉफिट आप अगर लेके चलते थोड़ा लॉन्ग टर्म में, तो मुझे लगता है ये आईटीसी में ये पोजिशन आपका टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको 425 का लॉस होता, अगर ये टारगेट अचीव होते हैं तो। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपको लगता है कि 204 से कम होगा ही नहीं, अच्छा एक सपोर्टिंग प्राइस है, और यहाँ से शेयर में एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, 210 जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट निकल के आया था लास्ट वीक, तो आपको लगता है ये वापस 210 अचीव कर लेगा, आपको यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी आपकी गिरावट का फायदा उठाए, क्योंकि आईटीसी भी एक सेंसेक्स के इंडेक्स में आता है, अगर दूसरे शेयर गिर रहे हैं तो आईटीसी भी गिरने के चांसेस है, और आईटीसी ने पहले भी अच्छा खासा गिरावट दिखाया है। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।